बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज मैं बना रही हूँ मीठी दही बूंदी। मीठी दही बड़े तो आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन दही बूंदी तो आज आपने मेरी रेसिपी ही सुनी है। तो जनाब मैंने ये बूंदी ली है और एक प्याली जिसको मैंने भिगो कर रख दिया था, और भीग कर ये तकरीबन एक प्याली बन चुकी है। और अब उसके साथ मैंने ली है दही, दही भी मैंने ली है तकरीबन एक पाव मैंने दही ली है, जिसको मैंने बिल्कुल ठंडा कर लिया था फ्रिज में। और आपकी दही जो है वो गाढ़ी होनी चाहिए। और इसके साथ ही हम इसमें दही में डालेंगे चीनी, तीन चम्मच मैंने इसमें चीनी का जो पाउडर है वो शामिल किया है। और इसके बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और इसके साथ इसमें डालेंगे 1/4 टेबल स्पून जो उसमें डालेंगे नमक, सफ़ेद नमक डालेंगे, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। दही को मैंने मिक्स करके अलग बर्तन में निकाल लिया है और अब मैं इसमें डालूंगी बूंदी। अब मैं इसमें डालूंगी ठंडी ठंडी दही और मीठे दही बूंदी बनाने के लिए आपका जो कमाल है वो सबसे यही है कि एक तो आपकी दही जो है वो ठंडी होनी चाहिए, दूसरी आपकी दही जो है वो गाढ़ी होनी चाहिए। तो अब मैं इसके ऊपर डालूंगी दही बड़ा मसाला। तो इसकी रेसिपी पहले ही से मेरे चैनल पर मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त मसाला है, हम यही मसाला घर में यूज़ करते हैं। जी मीठे दही बड़े तैयार हो गए हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल कर दें सब्सक्राइब और लाल घंटी वाला बटन दबा दें, ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास हो।